से लड़ रही हैं आप और आज कितनी बड़ी पीसी भी की, आगे कोर्ट भी जा रही हैं, उसके बावजूद अगर प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं करता है तो क्या ज़मीनी स्तर पर भी आप इसकी लड़ाई को लेकर उतरेंगी? बिल्कुल, देखिए हम लोग ज़मीनी स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसीलिए आज आप लोगों के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में आए हैं, इलाहाबाद की जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि एक यूनाइटेड मिड सिटी नाम के बड़े अस्पताल जो एक बड़े पूंजीपति का है और जहां मिनिमम सुविधाएं भी नहीं मौजूद हैं, जो अपने आप को हायर सेंटर कहकर सरकार से तमाम तरीके के अनुदान लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, लेकिन उनके पास योग्य डॉक्टर तक नहीं अस्पताल के अंदर उपलब्ध हैं, जिसके चलते वो जो खुद डायग्नोसिस, मैं ये आपको कागज़ दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये डायग्नोसिस है कि खुशी जब पहले दिन अस्पताल में भर्ती हुई तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन चूंकि यूनाइटेड मेड सिटी 5 लाख रुपए की डिमांड करता रहा और जब परिवार पैसा नहीं दे पा रहा था, लगभग 2 लाख रुपए परिवार ने जमा किए, उसके ऑपरेशन को जो कि 24 घंटों के भीतर जिसकी ज़रूरत थी उसको 9 दिन तक नहीं किया गया, जिसके चलते खुशी के पेट में मवाद भर गया, खुशी के पेट में पस पड़ गया क्योंकि आंतों में खून नहीं जा रहा था और खुशी ने अंततः दम तोड़ दिया। यूनाइटेड मिड सिटी ने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से खुशी की जान ले ली। यूनाइटेड मिड सिटी अस्पताल ने 9 दिन तक पैसों का इंतजार करते करते, तो ये सीधे सीधे मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ जो ये कहती है कि आपको मेडिकल के मामलों में न्याय मिलना चाहिए और किसी के भी मरीज के ऊपर अस्पताल प्रबंधन अपने अस्पताल का दरवाजा नहीं बंद कर सकता है, ये इस देश का कानून कहता है। इस देश की मानवीयता को तो इन्होंने सिरे से धत्ता कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन इस देश का कानून कहता है कि आप अस्पताल के दरवाजे को मरीज के मुंह पे नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड मेड सिटी ने खुशी के मुंह के ऊपर अस्पताल का दरवाज़ा बंद कर दिया और उच्चतम न्यायालय के तमाम आदेशों को धत्ता कर दिया। आज इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में आए थे और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पहले दिन से प्रयागराज को, इलाहाबाद को गुमराह किया जा रहा है और ये कहा गया कि उन्होंने खुशी से कोई पैसे नहीं लिए, खुशी के परिवार के पास लगभग 1 लाख रुपए के बिल हैं जो कि यूनाइटेड मिड सिटी की रसीद पर बने हुए हैं, दवाइयों के बिल हैं जो कि यूनाइटेड मिड सिटी की रसीद पर बने हुए हैं, और जिन पैसों को खुशी के परिवार ने दिया उसके बावजूद 5 लाख रुपए की यूनाइटेड मिड सिटी की तरफ से डिमांड होती रही और जब वो नहीं दे पाए तो उसको 23 तारीख को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया और ये कहा गया कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे और उसके पेट में टांके तक नहीं लगाए गए। जब अस्पताल वापस लेकर आया, क्योंकि पूरे इलाहाबाद का कोई भी अस्पताल उस बिगड़े हुए केस को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था, आपने लगभग 12 से 13 दिन उस बच्ची के केस को बिगाड़ा, उसको मरने के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारा सभ्य समाज इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई इलाज के अभाव में दम तोड़ दे और एक 3 साल की बच्ची खुशी मिश्रा जो कि खुले पेट के साथ आंतों में मवाद भरे घूमती रही, दर दर भटकती रही, जिसकी आंतों को सड़ाने की जिम्मेदारी यूनाइटेड मिड सिटी की है और उसने अस्पताल के दरवाजे उसके ऊपर बंद कर दिए, जिला प्रशासन की मौजूदगी में इंतहा तो तब हो गई जब उसके मरने के बाद उसकी बॉडी तक को अस्पताल के बाहर सड़क पर सील किया गया, उसकी बॉडी को अस्पताल ने स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध कराया, आपने उसे सम्मान से ना जीने दिया और ना सम्मान से उसको मरने के बाद आपने उसका क्रिमेशन होने दिया, आपने उसके बॉडी को भी सीने का काम सड़क पर रखकर किया। ये हमारे समाज की मानवता किसी तरीके से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।